Hello students, I hope you all are good. So today I'm here with a new video and आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है टू गर्ल्स इन द पार्क. दो गर्ल्स की स्टोरी है जो कि पार्क में है. आई थिंक अकॉर्डिंग टू द टाइटल स्टोरी का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग की दो गर्ल्स है जो कि पार्क में है, उन पर ये स्टोरी है. अब पार्क में वो क्या करती है, क्या होता है, वो सब तो हमें स्टोरी के दौरान ही पता चलेगा. तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप पता लगा पाए कि क्यों इस स्टोरी का नाम टू गर्ल्स इन द पार्क रखा गया है. टू गर्ल्स हैड अ फाइट व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क. दो गर्ल्स थी जिनकी फाइट हो गई जब वो पार्क में खेल रही थी, उनकी लड़ाई हो गई. अब खेलते खेलते हो गई होगी उन दोनों की, है ना, किसी टॉपिक पे हो सकता है. जैसे कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो आप लोग, तो आपकी हो जाती है, ऐसी उन दोनों की भी होगी. द अदर गर्ल्स took sides एंड सून टू ग्रुप्स वर formed. अब जो बाकी लड़कियां थी ना, वो दोनों में से किसी ना किसी एक की साइड ले रही थी कि नहीं ये सही है. कोई कह रहा था नहीं ये वाली लड़की सही है, तो कोई ये ऐसे कहते. कुछ लड़कियां इनके इस लड़की के ग्रुप में गई और कुछ लड़कियां दूसरी वाली गर्ल के ग्रुप में गई. ऐसे दो ग्रुप बन गए, एक ये वाली गर्ल का ग्रुप, एक दूसरी गर्ल का ग्रुप, दो ग्रुप बन गए. Then the first group of girls went to a big mean girl and said, जो पहला ग्रुप था ना गर्ल्स का, वो जाता है बड़ी गर्ल्स के पास, जो बुली मीन मतलब ही लड़कियां थी ना जो बड़ी, उनके पास जाता है और उनसे कहती है come to our park and trouble a group of girls. हमारे पार्क में आओ और ये जो दूसरा ग्रुप है ना था ना उसकी, उन गर्ल्स को ट्रबल करो, परेशान करो. अब भाई जो बड़ी लड़कियां थी वो तो वैसे ही मीन थी, उन्हें तो काम ही यही था, तो वो लोग मान जाती है. द बिग मीन गर्ल बोले द सेकेंड ग्रुप ऑफ गर्ल्स. तो ये जो इतनी बड़ी गर्ल्स थी वो बुली करती है, परेशान करती है इधर वाली ग्रुप्स की गर्ल्स को, उनसे बाय टेकिंग देयर स्वीट्स एंड टॉयज. उनकी मिठाइयां ले लेती है उनसे, उनके खिलौने ले लेती, उन्हें तंग करती है बस किसी तरह ताकि वो परेशान हो जाए. सून शी स्टार्टेड ट्रबलिंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु हैड इनवाइटेड हर. अब भाई ये दूसरे ग्रुप की गर्ल्स को तो तंग कर ही रही थी बड़ी गर्ल्स. अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनको करने के बाद वो इन्हीं जो फर्स्ट ग्रुप की गर्ल्स लेकर आई थी ना उन्हें, उन्हीं को परेशान करने लगी, उन्हें भी तंग करने लगी कि ये पार्क खाली करो. दे आस्क हर टू लीव द पार्क. क्या बोला उन्हें कि पार्क को छोड़ दो, खाली कर दो, ये पार्क में हम रहेंगे. बट शी रिफ्यूज. बट उन्होंने मना करा, नहीं हम क्यों जाएं, ये तो हमारा पार्क है, वो क्यों जाएंगे. फिर दस अ स्मॉल फाइट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर ऑल द गर्ल्स. अब उस छोटी सी फाइट ने कहीं ना कहीं सबको ट्रबल करा, सबको परेशान किया. जैसा कि आपको स्टोरी के दौरान पता चला, उसने दूसरी गर्ल्स को परेशान करने के लिए बड़ी गर्ल्स को बुलाया एंड बड़ी गर्ल्स अब उन्हीं के पीछे पड़ गई. तो इससे सभी गर्ल्स को परेशानी फेस करनी पड़ी. एक छोटी सी फाइट को इतना बड़ा इश्यू बना दिया गया जिससे कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप की गर्ल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. तो मोरल क्या सीखने को मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस स्टोरी से सीखने को. थिंक बिफोर यू इनवाइट ट्रबल. परेशानी को बुलाने से पहले ना एक बार सोच लेना चाहिए. जैसा कि फर्स्ट ग्रुप की गर्ल्स ने इतनी बिग बिग गर्ल्स को बुलाया था दूसरे ग्रुप की गर्ल को परेशान करने के लिए, तो कहीं ना कुछ कहीं उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी उन्हें बुला के, क्योंकि वो गर्ल्स उन्हें भी परेशान कर रही थी. तो कभी भी हमें किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कई बार उसमें हमारा भी बुरा हो जाता है. तो ये थी आपकी स्टोरी द टू द गर्ल्स इन द पार्क. जो गर्ल्स थी पार्क में उनके ऊपर ये स्टोरी थी. तो उन गर्ल्स ने अपने आप में ही लड़ाई की, दो ग्रुप बनाए और दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. आई होप जो मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर करी आपको समझ आई होगी एंड अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड उससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे. So thank you so much for watching my video students and don't forget to subscribe my channel.